जैसे जैसे चुनाव के चरण आगे बढ़ रहे हैं, सिद्धार्थनगर जिले में चुनावी हलचल भी बढ़ती जा रही है। यहाँ छठे चरण में चुनाव होना है। सिद्धार्थनगर जिले में इंडिया गठबंधन से सपा उम्मीदवार भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी को जिताने के लिए इंडिया गठबंधन का खेमा पूरी तरह से सक्रिय दिख रहा है। इसी कड़ी में सपा के राष्ट्रीय सचिव और सपा प्रत्याशी भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी के भाई विनय शंकर तिवारी भी इस वक्त सिद्धार्थनगर जिले के गांव की खाक छानते हुए देखे जा रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान विनय शंकर तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब तक के चार फेज के जो चुनाव हुए हैं, उनके जो रुझान है उनको देखते हुए मैं दावे से कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ प्रोपेगेंडा कर रही है। चार चरण के चुनाव हो चुके हैं, पांचवे की तैयारी कहां इंडिया गठबंधन अपने आप को कहां पाता है? आप देखिए कि आज जो एनडीए गठबंधन है उसके नेताओं के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं और दिन प्रतिदिन एनडीए गठबंधन डिप कर रहा है, नीचे उसका ग्राफ जा रहा है। इंडिया गठबंधन का ग्राफ आज ऊपर की तरफ उठ रहा है। अभी अमित शाह जी ने जो है सीना ठोक करके कहा है कि सरकार तो हमारी बन गई है, अब हम 400 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति कुछ कह दे तो फैसला नहीं होता है, फैसला आदरणीय जनता का होता है। आदरणीय जनता आज इंडिया गठबंधन के साथ है क्योंकि 5 साल के ये 10 साल की जो ये शासन है, इस शासन में लोगों को रोज़गार नहीं मिला, भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, महंगाई अपने चरम पे है, नौकरी कहीं मिल नहीं रही है। तो ये और आप देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का उदाहरण आपके सामने है, 6,000 करोड़ रुपए से ऊपर का इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला आपके सामने है, जो मेरे ख्याल से सदी का सबसे बड़ा घोटाला है। तो किस आधार पर वोट मांगेंगे, किस मुँह से वोट मांग रहे हैं? आज जनता त्राही त्राही कर रही है, त्राही माम कर रही है। तो आज जनता ने निर्णय कर लिया है, केवल 4 तारीख का इंतजार कर रही है। यहाँ से आपके आपके भाई यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, डुमरियागंज से जो है, और जाहिर है लगातार आप उनके प्रचार में यहाँ पे व्यस्त हैं, यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ की जनता, आदरणीय जनता कुशल तिवारी जी को अपना आशीर्वाद दे रही है, समर्थन दे रही है। जगह जगह लोग, जहाँ हम लोग जा रहे हैं, उनका प्यार और सहयोग मिल रहा है। आने वाले 25 तारीख को लोग साइकिल वाले खाने पर बटन दबाएंगे और भाई कुशल तिवारी जी दिल्ली में पहुंचेंगे। सर, आप यहाँ पे घूम रहे हैं, सारी जगहों पे आप जा रहे हैं, आपको क्या मतलब, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं? क्या देखिए, ये पूरा जिला, देखिए जो लोग कहते हैं 15 साल यहाँ की जनता ने यहाँ के सांसद को अपना प्यार स्नेह सम्मान दिया, लेकिन आज भी सिद्धार्थनगर जिले के ऊपर पिछड़ा जिला होने का ठप्पा लगा हुआ है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जनप्रतिनिधि ने 15 साल में क्या काम किया। अगर उन्होंने कुछ काम किया होता तो ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये भारत सरकार कहती है कि सिद्धार्थनगर जिला पिछड़ा जिला है, तो ये हमारे लिए और सिद्धार्थनगर के लिए शर्म की बात है और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए भी ये शर्म की बात है। ये पिछड़ा हुआ जिला जब सरकार ही मान रही है, तो मेरे ख्याल से यहाँ विकास नाम की कोई चीज़, जो विकास की किरण है, वो पहुंची ही नहीं है।